इन दिनों ग्लैमरस वर्ल्ड खूब चर्चा में है। किसी की शादी हो रही है तो कोई अपने सीक्रेट रिलेशनशिप से पर्दा उठा रहा है और कोई तो अभी तक किसी न किसी वजह से सिंगल ही लाइफ बिता रहा है। हाल ही में साथ निभाना साथिया 2 फेम आकांक्षा जुनेजा ने भी सिंगल रहने का कारण बताया। इन्हें आपने टीवी पर कई दफा अलग अलग रोल्स में देखा होगा और पसंद भी किया होगा। आकांक्षा की प्रोफेशनल लाइफ से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन आज इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, जिसके कारण आकांक्षा रिलेशनशिप में जाने से काफी डरती हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा एक बार रिलेशनशिप में भी थी, लेकिन उनका वो रिश्ता टॉक्सिक रिलेशनशिप था। अपने अब्यूसिव रिलेशनशिप पर बात करते हुए आकांक्षा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान काफी कुछ बातें शेयर की। आकांक्षा कहती हैं, एक बार को मैं सीरियल रिलेशनशिप में थी और वो 3 साल तक चला भी था, लेकिन चीजें बाद में बदल गई या यूं कहे कि खराब हो गई, क्योंकि मेरा पार्टनर गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। आकांक्षा ने आगे बताया, जब उसका गुस्सा ठंडा होता तो वो अपनी गलती मानता था, अपने किए के लिए माफी भी मांगता था। मैं भी उसे माफ कर देती थी, लेकिन ये रोज का हो गया। लेकिन बाद में उसने हद पार कर दी, वो और ज्यादा अब्यूजिव हो गया था। इसीलिए मैंने उस रिश्ते से बाहर आने का फैसला किया। जिस रिश्ते में कोई इज्जत नहीं, वहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता। इसलिए सिंगल रहने का कारण मेरा अब्यूसिव रिलेशनशिप ही था, जिसमें मैं थी। एक समय ऐसा था जब मैं अपना आपा खो देती थी और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती थी। मेरी लाइफ एकदम बर्बाद सी हो गई थी, मुझे डिप्रेशन जैसा फील होने लगा था। इसलिए मैंने इसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। जब आकांक्षा से पूछा गया कि वो अपनी लाइफ में किस तरह का व्यक्ति चाहती हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, जब मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मैं अपना सब कुछ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे प्यार और इज्जत चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो जिसके साथ मैं समय बिता सकूं और अपनी लाइफ से जुड़ी बातें शेयर कर सकूं। मैं उसे पार्टनर मानने से पहले अपना दोस्त मानूंगी। आपको बता दें कि आकांक्षा अभी साथ निभाना साथिया 2 में कनक देसाई का किरदार निभा रही हैं। टीवी की दुनिया में वो अपने नेगेटिव रोल्स के लिए काफी पॉपुलर हैं, लेकिन आकांक्षा को अपने निभाए किरदारों से और काम से बेहद लगाव है और वो पर्सनल लेवल पर भी इसे पसंद करती हैं।